हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 15 मार्च 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमारी डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो न्यूज आई है आज वो मेनली आई है, वो आई है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बारे में। तो ये जो न्यूज है वो देखते हैं कि क्या तो कंटेक्स्ट है। तो कंटेक्स्ट ये है कि IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, उसने इंडिया के साथ MOU साइन किया है ताकि इंडिया का जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको सही ढंग से यूज है वो किया जा सके, उसके लिए एक MOU है वो साइन हुआ है। तो कंटेक्स्ट हमने डिस्कस कर लिया, अब हम चलते हैं इसकी तरफ की और क्या क्या फ्रंट से इसने क्या क्या है IATA के बारे में। तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, यह मेनली एक ट्रेड एसोसिएशन है जो क्या करता है, वर्ल्ड की जो डिफरेंट एयरलाइंस है ना, जैसे कि इंडिया की भी आप देख सकते हो कि जेट एयरवेज होगी या उसके अलावा और भी बाकी है स्पाइस जेट वगैरह, इन सब ने मिलकर एक तरीके से अपने एक एसोसिएशन एक ग्रुप है वो बना रखा है। उस ग्रुप को बोलते हैं इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और ये बनाया गया था मैंने 1945 में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसने एक बात ये कही है कि इंडिया है वो 2024 तक विश्व का थर्ड लार्जेस्ट है वो एयर एविएशन मार्केट है वो बन जाएगा। इसके बारे में भी इंडिया के बारे में इसने प्रोजेक्शन में उम्मीद है वो बताई है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में बात आती है कि इसका IATA का काम क्या है। इसका काम मेनली देखो ये है कि जो एयरलाइंस है ना इनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, इसके साथ ही जो हेल्प है एयर इंडस्ट्री की इसमें भी हेल्प करना। हेल्प करने का मतलब ये है कि जैसे कोई भी पॉलिसी वगैरह बनानी हो, कोई भी रूल रेगुलेशन बनानी हो तो उसमें हेल्प है, सपोर्ट करना। फिर कोई भी इंटरनेशनल लेवल पर इनकी आवाज़ है उसको आवाज़ उठाने में या कोई भी स्टैंडर्ड्स वगैरह तय करने वहाँ पर हेल्प किया जाता है। उसका हेडक्वार्टर क्या है, देखो इसका IATA का जो हेडक्वार्टर है वो डिफरेंट जगह पर मैनी मॉन्ट्रियल में भी है, इसके साथ जिनेवा में भी है और काफ़ी सारी कंट्रीज में, तो वहाँ पर इसके ऑफिस वगैरह भी है। तो ये UPSC बेसिक इतना नहीं पूछने वाली, बस आपको ये ध्यान रखना कि IATA है वो क्या है, ये हमने इसके बारे में डिस्कस है वो कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो आई है फिलीपींस के बारे में। तो फिलीपींस और ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में जो न्यूज़ है वो देखते हैं। कंटेक्स्ट ये है कि फिलीपींस है उसने ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अपना हाथ विड्रॉल है वो कर लिया, उसको लेके आई है कि अब फिलीपींस है वो ICC का मेंबर है वो नहीं है, तो उसके बारे में कंटेक्स्ट है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी, UPSC पूछ सकती है कि रिसेंटली कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि ICC से अपना मतलब विड्रॉ कर लिया उसने, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं इसकी लोकेशन, कि वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है लोकेशंस। ये आप यहां पे देख सकते हो फिलीपींस, ये रही फिलीपींस की लोकेशन। आप देख सकते हो कि मेनली साउथ जो चाइना सी है उसके जस्ट पास में फिलीपींस सी है और यहाँ पे इसकी जो लोकेशन है वो है, और इसकी एक सिटी है मनीला। ये आपको काफ़ी आई होप ध्यान होगी पहले, क्योंकि मनीला के अंदर जो ISIS है उसका अटैक हो गया था और उस टाइम पे इंडिया ने आपको बताया कि पहली बार 1 करोड़ का फाइनेंशियल एड है वो दी थी किसी दूसरी कंट्री को ताकि वो आतंकवाद से निपट सके। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडिया ने ऐसा पहली बार किया था, लास्ट ईयर के करंट अफेयर में था ये, हमने इसे काफ़ी बार रिवाइज भी किया। तो मनीला सिटी के बारे में UPSC पूछ सकती है जिस पर ISIS ने कब्जा कर लिया था, तो इसलिए काफी सुर्खियों में भी थी उस टाइम पे। तो ये हमने इसकी लोकेशन और डिस्कस कर ली। अब चलते हैं न्यूज की तरफ, आगे क्या है, आगे देख लेते हैं हम ICC के बारे में देखते हैं। कंटेक्स्ट तो हमारा हो ही गया कि भाई है क्या। अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, इसे 2002 में तो मेनली बनाया गया था, हेडक्वार्टर है वो इसका हेग में जो कि नीदरलैंड में। काम क्या है इसका वो देखते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का काम ये है कि भाई जो इंटरनेशनल लेवल के जो मुद्दे हैं ना, कि जो सभी कंट्रीज में बेसिक से होते हैं, जैसे कई बार काफ़ी बड़े क्राइम हो जाते हैं जैसे कि ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट होते हैं, जैसे कि ह्यूमन राइट का वॉयलेशन हो रहा है कहीं नरसंहार हो गया, जीनोसाइड हो गया, या फिर कहीं पर कोई युद्ध वगैरह वार के हो गया उसकी वजह से जो क्राइम हो रहे हैं, उन सब के विरुद्ध कोई भी जैसे अपराध हो रहा है उन सब पे लगाम लगाने के लिए, उनकी सुनवाई करने के लिए किसका काम होता है, वो होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि वो जीनोसाइड हो रहा है कि फिर कोई वायर क्राइम हो रहा है या फिर ह्यूमन राइट्स के विरुद्ध कुछ भी काम हो रहा है उसके लिए। अभी देखो फिलीपींस पे आरोप लगा था कि उसने ड्रग्स के जो कुछ संदिग्ध लोग थे जो कि वहाँ पे ड्रग्स का व्यापार करते थे उनकी जान है वो ले ली, तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी वहाँ पर विवाद उठा था। मेनली मामला था वो ये कि भाई ड्रग्स के जो भी लोग तस्कर वगैरह थे उनकी हत्या वगैरह कर दी गई थी, तो वो डाटा वगैरह वो सही ढंग से नहीं पब्लिश किया गया था। तो कंटेक्स्ट था ये, उसकी वजह से फिलीपींस ने अपना जो मतलब विड्रॉल है वो नाम है विड्रॉल कर लिया। अब इसके बाद में ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यह विश्व की एक पहली परमानेंट ट्रीटी है जो कि गंभीर जैसे भी कोई भी सीरियस क्राइम होते हैं ना, जैसे कि जीनोसाइड हुआ या फिर वार क्राइम हुए, फिर इन सब के विरुद्ध यह डील करती है विश्व के लिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखना कि पहली परमानेंट ट्रीटी है विश्व की। इसके बाद में बात यह आती है कि इसको फंडिंग वगैरह कहाँ से मिलती है। देखो ISCC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, इसको फंडिंग मिलती है या तो डिफरेंट गवर्नमेंट होते हैं वो देती हैं जो इसके मेंबर है वो, इसके साथ ही डिफरेंट NGO वगैरह वो इसको फंड वो प्रोवाइड करते हैं, या फिर कोई इंडिविजुअल कोई कंपनी वगैरह वो भी इसको फंडिंग वो प्रोवाइड करती है, तो फंडिंग इसको यहाँ से मिलती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है न्यूटन बाबा फंड के बारे में। तो देख लेते हैं कि क्या तो कंटेक्स्ट है, क्या कंटेक्स्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आर्टिकल जो पॉइंट है वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेक्स्ट ये है कि न्यूटन बाबा फंड है, उसने आर्सेनिक रिसर्च के लिए गंगा वाले बेस गंगा का जो बेसिन वाला एरिया है उसमें एक्चुअली अपना योगदान है वो दिया, तो उसको लेके न्यूज़ आई है। तो हम देख लेते हैं कि भी है क्या न्यूटन बाबा फंड के बारे में। तो न्यूटन बाबा फंड है, देखो इस चीज़ से आप नाम दो चीज़ तो आपको समझ में आ रही है। न्यूटन ऑब्वियसली यूके का साइंटिस्ट थे और बाबा हमारे इंडिया के थे, तो एक चीज़ समझ में आ गई कि इंडिया और यूके के बीच में कोई लिंक है। देखो आप जब भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो एक बार थोड़ा सा आप कॉमन सेंस से आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मतलब ये चीज़ समझ में कि यूके और इंडिया के साइंटिस्ट जो है, इंडिया के जो साइंटिफिक रिसर्च है उसको आगे प्रमोट करने के लिए, इनोवेशन को आगे ले जाने के लिए फंड है वो बनाया गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इससे फायदा क्या होगा। देखो ऑब्वियसली अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है तो उसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, क्योंकि नई नई इनोवेशन होगी, नई नई एक तरीके से रिसर्च वगैरह हो रही है, तो काफ़ी ज़्यादा फायदा वो होने वाला है। अब ऑब्वियसली अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है तो साथ साथ में सोशल वेलफेयर की स्कीम भी गवर्नमेंट चलाएगी और सोशल वेलफेयर भी आगे बढ़ेगा। अब ये किस तरीके से न्यूटन बाबा फंड वो काम करते हैं, देखो न्यूटन बाबा फंड वो मिल के आगे कि रिसर्च वगैरह करता है, तो उसकी वजह से लोगों को क्या है कि स्किल मिलती है और जिनको स्किल मिली हुई होती है उनकी स्किल और ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, तो उनकी कैपेसिटी भी बिल्ड होती है, जिससे लोगों को क्या है कि ट्रेनिंग मिलती है और लोग क्या करते हैं अपने आप को ज़्यादा बिल्ड करते हैं, जिसकी वजह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो और ज़्यादा आगे बढ़ती है। तो उसका फायदा क्या होता है, उसका फायदा देश के हित में ही होता है। अब है क्या यहाँ पे जो हमारे लिए जो कंटेक्स्ट है वो तो हम देख लेते हैं आगे कि भाई आर्सेनिक वाला जो इश्यू है वो देखते हैं। देखो बात ऐसी है कि इंडिया का जो गंगा बेसिन वाला एरिया है ना, इसमें आर्सेनिक की मात्रा काफी ज्यादा पाई जाती है। अब आर्सेनिक आपको पता है, सॉरी आर्सेनिक का आपको पता है कि हमारी जो भूपट्टी है इसके कृष्ण में पाया जाता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, और आजकल यह पानी में घुल के काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अर्थ के ऊपर पाया जा रहा है, जिसकी वजह से दिक्कत ये आ रही है कि आर्सेनिक है वो एक्चुअली ह्यूमन की हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। ह्यूमन के जैसे लीवर वगैरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, या फिर यूरिन वगैरह में वहाँ पर एक तरीके से जमा हुआ शुरू हो जाता है, इसके साथ ही कार्डियक जो प्रॉब्लम है उनमें भी काफ़ी समस्या क्रिएट करता है। तो मतलब ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ नहीं है आर्सेनिक, तो उसकी वजह से समस्या है वो आजकल बढ़ती जा रही हैं। तो आर्सेनिक की जो मात्रा है इसको कंट्रोल करने के लिए या फिर इसकी स्टडी वगैरह करने के लिए, रिसर्च करने के लिए भी कहाँ पे आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा है, किस तरीके से हमें कंट्रोल करना है, तो ये फंड है वो हेल्प कर रहा है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि गंगा बेसिन वाला एरिया है उसमें आर्सेनिक की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है पानी में, तो उसे कंट्रोल करने के लिए, उस पर रिसर्च करने के लिए कि किस तरीके से हमें इसे समाधान करना है, उन सबके लिए इस फंड है वो आगे आया है सामने। तो एक काम क्या करेगा, या स्किल वगैरह वो प्रोवाइड करेगा, और जिसमें एक फायदा होगा कि रिसर्च का कोलाब्रेशन है वो भी होगा, तो ऑल ओवर में फायदा ये हो जाएगा कि भाई हमारे देश में जो भी आर्सेनिक की वजह से समस्याएं आ रही हैं उन पर हमें लगाम लगाने में काफ़ी हेल्प है वो मिलेगी। अब चलते हैं हम आगे, आगे देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। अगली जो न्यूज़ है वो आई है वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट के बारे में। तो वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट है, इसके बारे में देखते हैं। कंटेक्स्ट ये है कि इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट है वो किया है, तो अब इसके बारे में देख लेते हैं क्या। देखो वर्ल्ड हिंदी जो सेक्रेटेरिएट है वो अभी मॉरिशस में स्टार्ट है, वो आयोजित है, वो किया गया है, मतलब मॉरिशस में इसका इनोग्रेशन है वो किया गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना कि मॉरिशस में, देखो मॉरिशस में एक्चुअली काफ़ी लोग हैं वो हिंदी लैंग्वेज वो बोलते हैं, तो ये चीज़ भी हमें यहाँ पे ध्यान रखनी कि भाई वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट है वो कहाँ पर आयोजित हुई है, 2018 में हुई है मॉरिशस में। अब एक चीज़ देखते हैं कि ये वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट है क्या भाई आखिर, इसके बारे में तो हमें देखना होगा ना। वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट है, यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उन कंट्रीज़ का जहाँ पर हिंदी बोली जाती है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। तो आपको पता है कि इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हिंदी बोली जाती है और मॉरिशस में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हिंदी बोली जाती है। तो मैंने इंडिया और मॉरिशस इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया था, इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, जिसका काम यही है कि भाई जिन एरियों में हिंदी है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बोली जाती है उसको आगे प्रमोट किया जा सके, मतलब हिंदी को प्रमोट करना, इसके साथ ही हिंदी को यूनाइटेड नेशन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो बनाना, जिसके बारे में आपने लास्ट ईयर पढ़ा भी था कि इसका प्रस्ताव भी लाया गया था यूएन में कि भाई हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज वो बनानी है। तो इस चीज़ को काफ़ी कंट्रीज ने क्रिटिसाइज भी किया था, इवन इंडिया के भी कुछ मेंबर ने इसे क्रिटिसाइज वगैरह किया था। तो ये इसका बेसिक काम है, तो आपको ध्यान रखना कि वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट है क्या। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो आई है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के बारे में आई है। कंटेक्स्ट ये है कि ICMR को एक्चुअली कोचोन प्राइज़ है वो दिया गया है। ये कोचोन प्राइज़ किस लिए दिया जाता है वो भी हम देखते हैं। देखो अभी रिसेंटली दिल्ली में टीबी सबमिट हुआ था, टीबी सबमिट, तो उसके बारे में कंटेक्स्ट आ जाता है कि भाई जो टीबी का आपको पता है कि इंडिया में काफ़ी सारे केसेस हैं वो सामने आते रहते हैं हर साल, काफ़ी जो भारी मात्रा में लोगों को टीबी है वो इंडिया में होता है। तो इसीलिए इंडिया जो ICMR है जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, मतलब ये है क्या इसके बारे में हम देखते हैं पहले, फिर हम कोचिंग प्राइस के बारे में देखेंगे। तो जो ICMR है ये मान ली एक अपेक्स साइंटिफिक बॉडी है जो कि 1911 में बनाई गई थी। इसको जो फंडिंग वगैरह वो मिलती है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा। इसका मेनली काम ये है कि भाई मेडिकल के एरिया में रिसर्च वगैरह करना ताकि नई मेडिसिन
एप्लीकेशंस बनाना, नए रिसर्च वगैरह, नई इनोवेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए आगे बढ़ना, ये इसका बेसिक काम है। कोई भी नई बीमारी वगैरह हो जाती है तो उसके लिए मेडिसिन वगैरह बनाना, किस तरीके से हमें आगे काम करना, वो सारा काम किया जाता है ICMR के द्वारा, मतलब मेडिकल रिसर्च को यह प्रमोट करती है, इसका बेसिक काम है। तो इसने हमारे देश में टीबी के लिए काफ़ी अच्छा काम किया, टीबी के लिए जो एंटी ड्रग्स रेजिस्टेंस है उनको भी इसने डेवलप किया, काफ़ी बहुत से अच्छा योगदान है वो दिया है। तो इसीलिए जो कोचोन प्राइज है वो इसे दिया गया। अब हम देखते हैं कि कोचोन प्राइस के बारे में, देखो ये कोचोन जो प्राइस है ना ये मेनली टीबी के लिए दिया जाता है, कि जो कंट्री या जो फाउंडेशन हो गया या फिर कोई आप इसको कोई भी इंडिविजुअल को भी ये प्राइस है वो मिलता है, मतलब जिसने टीबी के लिए काफ़ी अच्छा काम किया टीबी को रोकने के लिए उसको यह प्राइस है वो दिया जाता है। तो यह अभी रिसेंटली है वो ICMR को दिया गया है इंडिया में। अब ये कोचोन जो प्राइस है यह मेनली एक कोचोन फाउंडेशन है जो कि है साउथ कोरिया का, ये क्या है नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जिसमें $65,000 का एक जो मतलब से प्राइस है वो दिया जाता है। तो ये भी ICMR को मिला, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि साउथ कोरिया का एक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है कोचोन फाउंडेशन, उसके द्वारा टीबी से लड़ने के लिए जो दिया जाता है प्राइस उसको बोलते हैं कोचोन प्राइस, और यह भी रिसेंटली मिला इस साल वो मिला ICMR को। तो ये कुछ बेसिक न्यूज़ थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस की। अब हम चलते हैं आगे, जो आज के क्वेश्चन एक बार वो देख लेते हैं, कल भी हम क्वेश्चन वो डिस्कस नहीं कर पाए थे। चलो आप सबसे पहले क्वेश्चन बताइए, काफ़ी इंटरेस्टिंग, आप ध्यान से सुनना कि जो मनकीडिया ट्राइब है उसके बारे में, कि आजकल देखो न्यूज़पेपर में मनकीडिया ट्राइब के बारे में था, इवन हमने लास्ट वीक के करंट अफेयर में भी इसे डिस्कस किया था। तो मनकीडिया ट्राइब के बारे में बताना कि कौन से स्टेट से बिलोंग करती है। पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है केरला और चौथा है उड़ीसा। तो ये आपको बताना है। देखो जो मनकीडिया ट्राइब है वो बिलोंग करती है उड़ीसा से, और यह अभी रिसेंटली न्यूज में आई थी, इसलिए आपको इसको ध्यान है वो रखना है। यह मेनली अर्ध यायावर एक ट्राइब है जो कि आज इनकी संख्या आजकल धीरे धीरे कम होती जा रही है, इन पर काफ़ी खतरा आ रहा है, तो उसको लेकर भी यह न्यूज़ में थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मनकीडिया ट्राइब वो कहाँ से। देखो जो ट्राइब न्यूज़ में रहती है ना वो तो आपको स्पेशली याद रखनी है कि वो तो UPSC ओबियसली जरूर पूछ ही लेती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी ध्यान से बताना है। देखो कोई भी से पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाती है तो आपको ये बताना कि भारत में जो पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाती है इसका अधिकार कौन से टाइप का अधिकार है, क्या यह कोई फंडामेंटल राइट है या फिर यह कोई विधिक अधिकार है, या फिर आपको यह बताना है कि यह कोई यह अधिकार में संविधान प्रोवाइड करता है या फिर यह एक नेचुरल राइट है। मतलब आपको ये बताना है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनाना कोई फंडामेंटल राइट है या फिर लीगल राइट है या फिर नेचुरल राइट है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ओब्वियसली देखो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये है फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19A का सी वाला पार्ट है। तो बेसिकली ये चीज़ आपको डायरेक्टली याद रख सकते हो, इस तरह के जो UPSC क्वेश्चंस है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली घुमा फिरा के पूछ लेती है। तो ये जैसे क्वेश्चंस वो हमें यहाँ पे ध्यान रखने हैं। UPSC देखो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस वो आजकल ज़्यादा पूछती रहती है, तो वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हो जाते हैं। अब एक क्वेश्चन और बताइए, चलो एक क्वेश्चन ये है कि जो हमारे देश में जो मूल कर्तव्य हैं उनके बारे में बताया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में आपको बताना है कि क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से उधार लिए गए हैं, और दूसरा ये है स्टेटमेंट वो ये है कि इसके अंतर्गत नागरिक और उसके नैतिक कर्तव्य दोनों को सम्मिलित किया गया है। ये आपको बताना है कि फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं क्या वो, पहला स्टेटमेंट तो ये दिया गया है कि क्या इसे फ्रांस से अडोप्ट किया गया है, दूसरा ये बताया गया है कि इसे नागरिक और जो नैतिक कर्तव्य दोनों इसमें सम्मिलित हैं। देखो ऑब्वियसली पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो आपको बताया कि फ्रांस से नहीं लिए। चलो आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो इंडिया ने कहाँ से लिए, तो ये आपका आज का होमवर्क है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि नागरिक और नैतिक कर्तव्य दोनों को सम्मिलित रूप से ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो उसमें शामिल होती हैं। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।